विकास और अच्छे दिन का मंत्र देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बच्चों को परीक्षा का तनाव दूर करने का मंत्र देने वाले हैं। उनकी किताब एग्जाम वॉरियर्स को आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा और तनाव पर छात्रों से बात भी करने वाले हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में उनकी इस किताब पर भी बात होगी। सफल होने ही वाले हैं, परीक्षा को उत्सव बना दीजिए, ऐसा मौज मस्ती से परीक्षा दीजिए और हर दिन अचीवमेंट का आनंद लीजिए, पूरा माहौल बदल दीजिए। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले ये टिप्स दे चुके हैं, जिसने एक किताब का रूप ले लिया है। एग्जाम वॉरियर नाम की इस किताब को दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया, जिसका मकसद बच्चों में परीक्षा का भय खत्म करना है। मोदी जी बोले, एग्जाम से मत डरो, वरिया नहीं वॉरियर बनकर लड़ो। 200 पेज की इस किताब में प्रधानमंत्री ने परीक्षा से जीतने के 25 मंत्र दिए हैं। परीक्षा को त्योहार की तरह मनाओ, हंसो, खुद से स्पर्धा करो, दूसरों से नहीं। टेक्नोलॉजी तो शिक्षक है, उससे सीखो, खाओ, खेलो, कूदो, सो, पर हाँ, चीटिंग कभी मत करो। कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने देखो, और हाँ, नियमित योगा करो। प्रधानमंत्री ये सारी बातें रेडियो के अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं, जिसे किताब में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। आप कहेंगे, किताब तो बोरिंग होती है ना? जी नहीं, ये तो मानो कोई कहानी की किताब है। एक चुलबुला खरगोश आपको इधर उधर टहलता मिल जाएगा, जो बड़ी बड़ी बातें चुटकियों में समझाएगा। कहीं डूस तो कहीं डोंट्स लिखो, कहीं अनुभवों के निबंध लिखो, कहीं खरगोश के साथ योगा करो। पिछले 3 साल से बोर्ड की परीक्षा के ठीक पहले प्रधानमंत्री छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए मन की बात के जरिए संदेश देते रहे हैं। इस साल बोर्ड की परीक्षा से ठीक पहले उनकी नई किताब एग्जाम वॉरियर बाजार में आ रही है। 90 रुपए की ये किताब छात्रों का तनाव दूर करने में मदद करेगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।